टेक्निकल ऑफिशियल ट्रेनिंग कैंप के उद्घाटनी समारोह में पहुंचे हुए हमारे मुख्य अतिथि सरदार हरचरण सिंह भुल्लर जी, प्रेसिडेंट द फ्रेश ऑफ इंडिया, उनके साथ श्री वैभव चौधरी जी एसीपी साहब हमारे विशेष अतिथि, साथ ही सरदार जिंदर सिंह सोहल एक्टिंग प्रेसिडेंट द फ्रेश ऑफ इंडिया, मेरे भाई दीप कालू जी, उसके साथ ही सरदार जसवंत सिंह खैरा जी, गोला सिंह जी, मनविंदर सिंह विक्की जी, जसपाल सिंह जी और हमारे एनआईएस से सर और सभी अलग अलग स्टेट से पहुंचे हुए मेरे साथियों, आइए एक बार फिर से हम फतेह की साथ करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो आज एक इतिहास का दिन है कि गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया अपना पहला कैंप एनआईएस में, जिसमें हम टेक्निकल ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, 7 दिवसीय इस कैंप में जहां आप रूल एंड रेगुलेशन को पढ़ेंगे, वहीं साथ ही साथ टेक्निकली ग्राउंड में फील्ड में कैसे करवाना है उसकी जानकारी भी हासिल करेंगे। और मैं प्रेसिडेंट सर को बताना चाहूंगा कि 13 स्टेट से हमारे पास 80 जो पार्टिसिपेंट पहुंचे हैं और 50 के करीब हमने जो एप्लीकेशन है वो डिनाई किए हैं। हमारे पास जहां उतने सोर्सेज नहीं थे, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या में अदर स्टेट्स जिनके में इंटरेस्टेड हैं वो इसको खेलना चाहती हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूं कि इस कैंप के तुरंत बाद हमारी एक नेशनल चैंपियनशिप है 24 से 27, और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि उसमें 1649 प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज तक हमारा रिकॉर्ड 1300 का था, तो इस बार इतनी बड़ी संख्या में प्लेयर का पहुंचना इस बात का इशारा है कि आने वाला समय गतका का, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में प्लेयर जो प्रोफेशनली इस प्लेटफॉर्म को बना रहे हैं, इस खेल से जुड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से और कोई भी गेम ने पिछले 3-4 साल में इतना ग्रो नहीं किया। आज बहुत खुशी और गर्व की बात है कि सरदार हरचरण सिंह भुल्लर जी की खेलो इंडिया में, नेशनल गेम्स में, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में, AIU में, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में जहां पे ऑफिशियली कोई गेम खेला जा सकता है, हम उन सब में हैं। और बहुत जल्दी AIU यूनिवर्सिटी है उसके लिए प्रयास जारी है, और साथ ही साथ हम वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि हमारे प्रेजिडेंट साहब वर्ल्ड बॉडी के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये कार्य कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वर्ल्ड लेवल तक इसको लेके जाया जाए। मैं जस्ट अपने गेस्ट को ये एक ब्रीफ जानकारी देना चाहता था। हम 7 दिन जहाँ पे हैं गतके के बारे में बातें करेंगे, मगर आज अपने शेड्यूल से समय निकाल कर हमारे बीच जो अतिथि आए हैं हम उनको सुनना चाहेंगे, उनकी ब्लेसिंग लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करूँगा सरदार रजिंदर सिंह सोहल जी को कि प्लीज़ 2 शब्द।
बारे में और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं अलग अलग स्टेट से उनके बारे में कहें। सरदार जिंदर सिंह से आज के मुख्य मेहमान सरदार हरचरण सिंह भुल्लर, प्रेसिडेंट गटका फेडरेशन ऑफ इंडिया, सरदार मजिंदर सिंह टूर जनरल सैकटरी ऑल इंडिया, वैभव चौधरी जी अज के साथ विशेष मेहमान आई पी एस ऑफिसर ने जो पटियाला बतौर ए एस पी है, उन्होंने जसवंत खैरा जी का, जगदीप आलो जी का, विक्की जी का, जसपाल प्रोफेसर जसपाल सिंह जी, तो एन एस आई एस के जोड़े सीनियर अधिकारी उन्होंने मैं नाम नहीं पता, मैं सारे जोड़े मंच पर बैठे हैं उनका खैर मकदम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। इंडिया के भिन्न भिन्न स्टेटों से आए सारे जो टेक्निकल ऑफिशियल ट्रेनिंग में आए हैं, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ, उनका भी वेलकम करता हूँ। आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप इंडिया की सबसे बढ़िया जगह पे जो ये ट्रेनिंग कैंप हो रहा है, इससे ऊपर इंडिया में कोई नहीं, ये स्पोर्ट्स का मक्का है। सो मैं पहले तो आपको बधाई देता हूँ कि आपकी शुरुआत जहाँ से हुई है, कहीं भी चले जाना आपके कंट्री में तो आपको एन आई एस पटियाला से ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। जो भी है जिस हॉल में बैठे हो उसके भी देख लेना, कभी भी आप जिंदगी में जाना चाहे ओलंपिक्स में जाओ तो ऐसा अच्छा ट्रेनिंग के लिए कोई जगह नहीं है। ये इंडिया की सिरमौर जो है ऑर्गेनाइजेशन है और जो बड़ी पुरानी है और जिसके बड़े ऊंचे कीर्तिमान हैं। सो मैं एक बार फिर आपको बधाई देता हूँ कि जहाँ से पूरे अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण करके जाना, ताकि गतका में आपको कभी कोई जो है दिक्कत ना आए, रूल्स को पढ़ना, गेम्स के लिए बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन हैं, तो उनको बारीकी से कई बार हम ट्रेनिंग का फायदा नहीं लेते, नॉन सीरियस होके चले जाते हैं, तो वो नहीं करना, इस मौके का पूरा फायदा उठाना है। दूसरी बात है गतका पे हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि सभी को पता चल जाए कि नशा से दूर का भी वास्ता नहीं है गतका से। नशा कोई भी है, छोटे से छोटा, कई बार कहते हैं कि ये तो नशा नहीं है, इसमें बीड़ी तंबाकू पान शराब सभी नशे वर्जित हैं। सो कभी भी किसी ने गलती से ऐसा नहीं करना, ताकि ये हमारे सिख गुरु की परंपरा जो 500 साल से 400 साल से चल रही है उसका कहीं उल्लंघन ना हो और आपको कोई एम्बैरसमेंट ना हो। सो नशे से हमारा दूर का वास्ता है। हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर कोई नशा नहीं छोड़ता तो वो गतका छोड़ दे, वो बेहतर होगा। सो अगर आपने गतका में पार्टिसिपेट करना है, इंटरेस्ट लेना है, हमारे साथ जुड़ना है, तो इसकी जो भी गाइडलाइंस है उसको कृपया मानना होगा। ये इसकी पहली शर्त है कि नशा कोई नहीं करेगा और कोई बच्चा भी नहीं करेगा। तो बाकी जो है हमारी सभी भाषाओं में रूल एंड रेगुलेशन है, आप उसको किसी को दिक्कत आओ, जैसे केरला, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कहीं हिंदी का प्रयोग नहीं होता किसी जगह पे, तो वहाँ हमारे पास सभी जो 18 इंडियन लैंग्वेजेस है, जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है, उनमें हम आपको करके देंगे। किसी ने हेजिटेट नहीं करना, अगर उसको कोई भी दिक्कत आए, दूर साहब का नंबर है, हमारे विक्की जी बैठे हैं इधर, इनका नंबर होगा, और जो ऑफिशियल आपसे है उनको बार बार आप बोल के जो भी आपको
ज्यादा कोई डाउट लेके नहीं जाना। सो मेरी तो इतनी आपको प्रार्थना है, बेनती है कि आप इस कैंप का पूरा लाभ उठाएं ताकि जिंदगी भर आप अच्छे जज बन सको, रेफरी बन सको, कोच बन सको, जो भी आपका फील्ड है उसमें आप सक्सेस करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आपको मैं सारी पंजाब गतका एसोसिएशन की तरफ से, गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सबको एक बार फिर स्वागत करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ। और मंच में बैठे मैं सभी प्रधान जी से लेकर सभी का धन्यवाद करता हूँ कि वो अपना कीमती समा, अगर किसी को कोई फिर भी दिक्कत आए तो हमारे नंबर जहाँ होंगे तो हम आपको मिलते रहेंगे। तो मैं आपके 7 दिन के इस कैंप के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। तो अभी हम सबको पता है कि जो हमारी नेशनल होने जा रही है वो मस्तुवाना साहिब संगरूर में होने जा रही है। तो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से हमारे पास सरदार जसवंत सिंह जी खैरा पहुँचे हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं वहाँ के। मैं उनको मंच पे आमंत्रित करूँगा कि काइंडली 2 मिनट के लिए वो आपसे अपने विचार हैं जो साझे करें। सरदार जसवंत सिंह जी खैरा। रिस्पेक्टेड सरदार हरचंद सिंह जी भुल्लर, IPS DIG पटियाला रेंज, SSP साहब पटियाला, उन्होंने नाल सरदार रजिंदर सिंह जी सोहल, प्रधान पंजाब गतका एसोसीएशन, सरदार बलजिंदर सिंह जी टू जनरल सैकटरी पंजाब गतका एसोसीएशन, सरदार गुरजंत सिंह जी जो इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर ते मैनेजमेंट मेंबर मस्तुवाना काउंसल, प्रोफेसर जसपाल सिंह जी, इस टेक्निकल ट्रेनिंग कैंप के पार्टिसिपेट कर रहे सारे पार्टिसिपेंट, फतेह बुलाओ पहला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पहला जिवें सोहल साहब ने दस्या ते तू साहब ने दस्या कि नैशनल गतका जरा जूनियर सब जूनियर ते सीनियर ते 6 ग्रुपां दे जिहड़ा गतका बॉयज एंड गर्ल दा नैशनल टूरनामेंट जिहड़ा चैंपियनशिप है वह मस्तुवाना साहिब विखे हो रही है। बहुते जने शायद जिहदे विच 993 बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे ने ते 656 गर्ल पार्टिसिपेट कर रही ने। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਓਫਿਸ਼ਲ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਮਤਲਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, 2010 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗਤਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਸਤੁਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗਤਕੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਕਿਹਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਟੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਤਕੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਟੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਐੱਨ ਆਈ ਐੱਸ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਈਵੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਟੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।